वीरभद्र को रोको। हमें जो लगा जब बिछियापुर के गांव के लोगों के ऊपर काऊ के ऊपर दुख नहीं है, हैं सब सुखी सुखी है। तुम्हारी से बोल ले उन्हें, हे मैया खाली साई ने बोलो, हे प्रभु भक्तन के रघुवारे हम सब आए शरण तुम्हारे। आराधना की करने के बाद में भोले बाबा ने देवताओं की बात मान ली। मानने के बाद में आज भोले बाबा ने उस वीरभद्र को रोका। रोकने के बाद में अब वीरभद्र तो रुक गया, लेकिन दक्ष का शीश कटा पड़ा है। जब दक्ष का शीश कटा है तो देवताओं ने कहा, प्रभु देखो वीरभद्र को तो तुमने रोक ही दो, अब ऐसा करो ये यज्ञ जो चल रहा है ये बिना दक्ष के पूरा नहीं होगा। आप ऐसा करो, वैसे भी दक्ष भगवान का बहुत बड़ा भक्त है और आपने इसका अहंकार दूर कर दिया, अब आप इसे जीवित कर दो और नंदी का श्राप भी सत्य कर दो। जो इतने वचन कहे तो उसी समय, क्योंकि नंदी ने श्राप दिया था दक्ष को कि उसका शीश बकरे का हो जाएगा, तो भोले बाबा ने देवताओं से कहा कि अगर तुम दक्ष को जीवित करवाना चाहते हो तो मेरी बात सुनो, तुम पृथ्वी पर जाओ और जा करके तुम ऐसे बालक को ढूंढ करके लाओ जो तुरंत में ही जन्मा हो, जो हाल ही में जन्मा हो, और उसी बालक की तरफ उसकी मैया पीठ करके सोए रही हो वे, और बाई बालक को तुम ले आओ, बाई को शीश हम दक्ष के लगाए दिए। हमारा सभी देवी देवता भागने लगे इधर उधर, और भाग करके आज महाराज ऐसे बालक को ढूंढ रही हैं जिसने हाल ही में जन्म लिया हो और उसकी मैया उसकी तरफ पीठ करके सो रही हो। क्योंकि कहा जाता है माताओं कि जब एक माँ अपने पुत्र को जन्म देती है संतान को, तो वो माँ कभी भी अपने पुत्र की तरफ पीठ करके नहीं सोती है। आपको पता है ये बात है? सही बात है, ये सही बात है। अरे भैया कछु तो बोलो। हाँ तो कहा जाता है कि जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो माँ कभी भी बच्चे की तरफ पीठ करके नहीं सोती है। तो उसी समय महाराज सारे देवी देवताओं ने पृथ्वी पर घूम करके देखा, लेकिन उन्हें कोई ऐसी मैया नहीं मिली जो अपने पुत्र की तरफ पीठ करके सो रही हो। जब और आगे बढ़े तो क्या देखा कि एक बकरी ने एक बकरे को जन्म दिया, और देने के बाद में वही बकरी महाराज उस बकरे की तरफ पीठ करके सो रही थी। देवताओं को और कोई नहीं मिला, वही बकरे को ले लिया, लेकर के चल दिए। चलने के बाद भोले बाबा के पास में पहुंचे, बोले प्रभु हमें और तो कोई नहीं मिलो, जो बकरी मिलो आप ले जाई को शीश लगाए दो। उसी समय भोले बाबा ने उसी बकरे का शीश काटा, काट करके परीक्षित महाराज आज दक्ष के शीश से जोड़ दिया। जोड़ने के बाद में जैसे ही दक्ष जीवित हुआ, सोई मैं करता हुआ खड़ा हो गया। बोले भोले नाथ की, जब खड़ा हुआ तो दक्ष भोले बाबा के चरणों में गिर पड़ा, गिर करके क्षमा मांगने लगा, कहने लगा हे प्रभु हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने आपको पहचान नहीं पाया, आपकी शक्तियों को नहीं पहचान पाया, मैंने आपसे द्वेष किया,
आपसे बैर किया, मुझे आप क्षमा कर दीजिए, ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी। क्योंकि भोले बाबा बेचारे इतने सीधे ही सादे, उनको ना ही है भोले भाले। भोले तो इतने हैं कि एक लोटा जलई तो मान जा, और भाले इतने हैं कि फिर कोई समझा फिर नहीं जे कहू की मान आते। हाँ, सबसे प्यारे भोले ही बाबा है महाराज, उन्हें चाहे जैसे मनाओगे तो तैसे ही मन जाते। तो आज भोले बाबा की शरण में जब दक्ष आया, तो आने के बाद में महाराज भोले बाबा ने दक्ष को क्षमा कर दिया। करने के बाद में अब श्री सुखदेव जी समझा रहे, हे राजन परीक्षित, जो मैया सती ने अपनी देह का त्याग किया था, तो जब त्याग किया था तो उन्होंने क्या कहा था कि जब जब मैं मरूं और जब जब मैं देह को धारण करूं, तब तब मैं भोले बाबा की अर्धांगिनी बनूं। तो उन्हीं सती का महाराज जन्म हुआ था। हिमांचल नगरी के राजा थे जिनका नाम था हिमांचल, हिमांचल की पत्नी थी मैना, उन्हीं के यहाँ पर उन्हीं सती का जन्म हुआ, तो उन्हीं का नाम पड़ा पार्वती। बोलिए पार्वती मैया की, आइए ताली बजा करके बड़े भाव से बोलेंगे, उसके बाद में आगे की कथा श्रवण करेंगे।